पे चल रही है। किसकी बात चल रही है गाइस? वेज की बात यहाँ पे चल रही है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और फिर उसने प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। अब ये हाई तो बना रहा है बट ये ज्यादा अब ऊपर नहीं जा पा रहा है, और जैसे ही उसने ये वाला जो वेज है ये ब्रेक कर लिया, मार्केट सीधा इस तरीके से नीचे आ जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। रियल लाइफ में सर ये कैसे दिखता है? कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हो क्या? दीवान हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ये चार्ट है। मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में जरूर जा रहा था, अप ट्रेंड में जरूर जा रहा था। यहां पे देखो उसने ये वाला बना लिया हाई, ये वाला उसने बना लिया लो, और देखो अंडर सेंटेंस हाई जो है अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये भी तो हायर हाई है बट ये ज्यादा ऊपर नहीं उससे, और ये भी देखो सर ये भी तो हायर हाई है, ये सर ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। और जैसे ही मार्केट ने एक ये वाला जो लेवल ब्रेक कर लिया, मार्केट सीधा का सीधा अब नीचे आ गया। मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जो है वो कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो क्या? अंडरस्टैंड दिस गाइस, वेज की बात हो रही है। कौन सी वेज की बात हो रही है? अच्छा ऐसा वैसा वेज नहीं, राइजिंग वेज, राइजिंग वेज। अच्छा वेज मतलब क्या होता है सर? कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन। क्लियर है क्या? अच्छा किस तरीके का ये सर रिवर्सल पैटर्न है? सर ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। सर आपने इसको राइजिंग वेज क्यों बोल दिया? सर राइजिंग वेज हमने इसलिए बोल दिया, अंडरस्टैंड दिस गाइस, हायर हाई जो है ये तो अभी ज्यादा नहीं बन रहा है, ज्यादा हायर नहीं बन रहा है, बट अगर आप लो को देखोगे तो सर ये वाला जो स्लोप है ना ये बहुत ज्यादा स्टीप हो गया इससे। दिस इज मोर स्टीप, लेस स्टीप, समझे क्या? मतलब ये वाली जो लाइन है तो सर ये इस तरीके की लाइन है उसकी लो की, और अब हाई जो है सर हाई तो ज्यादा नहीं जा पा रहे, तो ये इस तरीके से जाएगा। और ये वेज देखो, वेज जो है ना इनको हमेशा मिलना ही है, ये वाली जो दो लाइन है ना शायद आगे कहीं पे तो मिलेगी, यहां पे मिली है लाइन, समझ पा रहे हो क्या? अगर ये दो लाइन ऐसी पैरेलल है तो हम इसको वेज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर पैरेलल चल रहा है तो प्राइस एक रेंज में चाहिए, बट हमको रेंज नहीं चाहिए, प्राइस क्या करना चाहिए? कंसोलिडेशन में चलना चाहिए। कंसोलिडेशन में जब चलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वेज। राइजिंग वेज मतलब क्या? अब सर ये इसका जो लो है ये बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है सर, वेज अब ब्रेक होने वाली है, हाई जो है ये ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा पर है। अप ट्रेंड में था मार्केट, जैसे उसने वेज का हिस्सा बनकर ये तोड़ दिया, कन्वर्ट हो गया अब डाउन ट्रेंड में। राइजिंग वेज की बात हो रही है, बेरिश रिवर्सल की बात हो रही है। पहले था अप ट्रेंड में अब है डाउन ट्रेंड में। बढ़ते हैं हम हमारे अगले रिवर्सल पैटर्न की तरफ। अच्छा फॉलिंग वेज, अंडरस्टैंड दिस गाइस, देखो अभी तक हम चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं। चार्ट पैटर्न में क्या है? रिवर्सल है और कंटिन्यूएशन है, ठीक है? तो पहले तो सर हम रिवर्सल पढ़ रहे हैं। अच्छा तो रिवर्सल में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सर पढ़ा हेड एंड शोल्डर, और हमने पढ़ा सर डबल टॉप या तो बॉटम। हेड एंड शोल्डर में भी हमने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ा था, और हमने एक पढ़ा था सर ट्रिपल टॉप या तो ट्रिपल बॉटम। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? तो अब हमने पढ़ा वेज। वेज मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन। अच्छा तो अब हमने क्या पढ़ा था सर? राइजिंग वेज की बात करी थी। राइजिंग वेज सर किस तरीके से लिखेगा? उसका जो लो है उसका तो स्लोप बहुत स्टीप होगा, बट सर उसका हाई जो है ना ये हाई ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो ये यहां पे कहीं तो मिलेगा, मतलब ये जाएगा हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाएगा, बट जैसे ही उसका अगर आप लो देखोगे तो सर ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप बहुत ज्यादा रहेगा। समझ पा रहे हो क्या? किस टाइप का ये पैटर्न है? बेरिश रिवर्सल पैटर्न था। पहले मार्केट बुलिश था, यहां पे उसने अब ज्यादा हाई नहीं बनाया, मार्केट फिर से नीचे आ गया था, इसी को हमने बोल दिया था क्या? राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज का ही ये अपोजिट पैटर्न है। पहले मार्केट बेरिश था, बेरिश मार्केट था, बुलिश रिवर्सल है, मतलब ये बुलिश रिवर्सल में कन्वर्ट होने वाला है। अंडरस्टैंड दिस गाइस,
बुलिश रिवर्सल मतलब क्या, अब इसको बुलिश में जाना है। अच्छा तो बुलिश में जाना है मतलब क्या, सबसे पहले प्राइस को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इजंट इट। तो अब की बार उसका जो लो है, अगर हम देखेंगे ये उसका सर लो था, अब ये भी लोअर लो है सर, ये भी लोअर लो है सर, ये भी लोअर लो है। बट अगर आप लो के देखेंगे, लेट से कि अगर ये उसका डिस्टेंस 50 है, ये उसका डिस्टेंस 40 है, तो ये उसका डिस्टेंस 30 है, इसका मतलब क्या सर, अब वो ज्यादा लो नहीं बना पा रहा। इसका मतलब अगर पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा, उसके बाद में सर लेट से कि पहले अगर प्राइस 200 रहा होगा, तो अब की बार ये जो है वो लो 150 का बनाया, अब की बार सर लो उसने 110 का बनाया, और अब की बार उसने लो 80 का बनाया। समझ पा रहे हो क्या मतलब, ये अगर आप गैप देखोगे लो के बीच में, तो सर ये कम 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 होते जा रहा है सर। क्लियर है क्या, कम 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 तो हो रहा है, बट मतलब हाई जो है, हाई का जो स्लोप है वो सर ज्यादा है इसमें, दिस इज मोर स्टीप, दिस इज लेस स्टीप। इसका मतलब क्या सर, जो लो है अब वो ज्यादा नहीं बना पा रहा है लो, और इस तरीके से ये वेज तोड़ जाएगा और मार्केट फिर से घूम जाएगा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ। बात चल रही है वेज की, वेज मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन। समझ पा रहे हो क्या, राइजिंग वेज मतलब क्या होता है, मार्केट पहले ऊपर गया नीचे आया, बट अब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्लियर है क्या, ऊपर तो जा रहा है बट ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। बट अगर उसका लो है, लो तो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लो जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, और ये ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। उसी तरीके से फॉलिंग वेज क्या होता है, मार्केट जो है नीचे आ रहा है, अब लो तो बना रहा है बट ज्यादा लो नहीं बनाया पड़ेगा, और ये हाई वाला जो लाइन है ज्यादा स्टीप होगा, और इस तरीके से यहां पे ब्रेक करेगा और मार्केट जो है ऊपर जाएगा इस तरीके से। रियल लाइफ में ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। समझ पा रहे हो क्या, अंडरस्टैंड दिस गाइस, मार्केट जो है अब ये ज्यादा जो उसका लो है वो तो नहीं मना पा, हाई जो है ये वाली लाइन उसकी बहुत ज्यादा स्टीप है इससे। समझ पा रहे हो, इस तरीके से मार्केट आया, इधर आया, इधर आया, डाउन ट्रेंड में यहां पे मार्केट था, इस तरीके से आया, और जैसे उसने ये ब्रेक कर लिया, मार्केट सीधा का सीधा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो, वेज की बात चल रही है, प्राइस कंसोलिडेशन की यहां पे बात चल रही है। बहुत सारे कैंडल्स बन के मिलता है हमको एक चार्ट, और ये चार्ट भी हमको कुछ कहने की कोशिश करता है। ये चार्ट हमको क्या कहने की कोशिश करता है, ये हम अभी सीख रहे हैं। अच्छा तो सर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो आपको लग सकता है, बट अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये सारे के सारे पैटर्न्स हम लोग तो ट्रेड करने भी नहीं वाले, बट जस्ट बिकॉज हम लोग मार्केट का स्टडी कर रहे हैं और चीजें हमको पढ़ना या तो समझना जरूरी है, ऐसा ना हो कि नॉलेज तो अवेलेबल है बट सिंस आपने उस नॉलेज को इग्नोर कर दिया और आपसे कोई ट्रेड मिस हो गया या तो ट्रेड लेने में गलती हो गई, ये सब हमें नहीं करना है, और इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता गाइस, अंडरस्टैंड दिस, सीख लो कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है भी नहीं इस पैटर्न, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो ट्रेड इस पे नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट समझ लो गाइस। बढ़ते हैं हम हमारे अगले रिवर्सल पैटर्न की तरफ, एक्सपांडिंग ट्रायंगल। ओके सर एक बात बताओ, जब आपने वेज की बात करी तो वेज तो सर कुछ इस तरीके से दिख रहा था, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूं, वेज तो सर हमको कुछ इस तरीके से दिख रहा था सर, हमारा राइजिंग वेज जिसमें ये प्राइस ऊपर तो जा रहा था बट सर इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, और ये जो लो वाली लाइन थी ये सर ज्यादा स्टीक थी इसमें। क्लियर है क्या, तो अगर इसमें देखोगे तो सर ट्राइंगल जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, ट्राइंगल जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब ट्राइंगल जो है ये अभी क्लोज हो रहा है। तो एक्सपांडिंग ट्राइंगल मतलब क्या हुआ भला, मान लो कि इस तरीके से ये उसका ट्राइंगल का हमने एक एंगल बना दिया, और ये ट्राइंगल अगर इस तरीके से बढ़ रहा है तो हम इसको बोलेंगे एक्सपांडिंग ट्राइंगल। समझ पा रहे हो क्या, एक्सपांडिंग ट्राइंगल। क्लियर है यहां तक,
अंडरस्टैंड दिस, किस तरीके से ये पैटर्न बनेगा, कौन सा पैटर्न है सबसे पहले, तो रिवर्सल पैटर्न। अच्छा कौन सा रिवर्सल पैटर्न है सर, बेरिश रिवर्सल। बेरिश रिवर्सल मतलब क्या सर, मार्केट पहले अप ट्रेंड में था सर, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो गया, मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ओके पहले मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में गया, और अप ट्रेंड में ही गया नहीं, अब की बार अगर आप इसका हाई देखोगे तो सर हाई में तो सर बहुत ज्यादा गैप है। लेट से कि अगर ये 50 होगा तो लेट से कि ये भी उसका दूसरा हायर आए, और अब की बार ये वाला जो हिस्सा है सर ये 70 होगा, ये वाला हिस्सा। समझ पा रहे हो क्या, क्लियर है यहां तक? मतलब जैसे ही राइजिंग वेज में हमारा जो हाई है ये ज्यादा नहीं था, मतलब ये गैप 50 था तो ये गैप 40 था तो ये गैप हमारा 30 था। बट राइजिंग वेज में क्या होता है, अगर ये वाला जो है हमारा गैप, अगर ये अगर 30 रहा होगा तो सर ये 40 रहा होगा तो सर ये 50 रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या, क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या, ट्राइंगल जो है एक्सपांड हो रहा है, ट्राइंगल जो है एक्सपांड हो रहा है, और जैसे ही अगर ट्राइंगल एक्सपांड हो गया हमने क्या बोल दिया उसको, एक्सपांडिंग ट्राइंगल। अच्छा एक्सपांडिंग ट्राइंगल मतलब ये किस टाइप का पैटर्न है सर, रिवर्सल पैटर्न है। अच्छा सर रिवर्सल पैटर्न में भी कौन सा रिवर्सल पैटर्न सर, बेरिश रिवर्सल। अच्छा बेरिश रिवर्सल मतलब क्या होता है सर, अप ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। किस तरीके से होगा सर, ये इस तरीके से होगा, मार्केट पहले अप ट्रेंड में जाएगा, उसने सर ये एक हाई बना लिया, लो उसका देखो, लो उसका सर ज्यादा नहीं है, लो उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं है, बट हाई का वैल्यू देखोगे आप ये तो हाई तो बहुत ऊपर है सर। लो अभी भी देखो सर, ये देखो इसका लो और ये इसका लो देखो, गैप ज्यादा नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? बट अगर आप हाई का गैप देखोगे सर, हाई का गैप तो बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड दिस, जब ये फिर से एक हायर हाई बना लिया उसने, ये गैप तो सर और भी ज्यादा है, क्लियर है क्या? और जब ये लो कहीं बनाएगा सर, तो ये तो लो यही कहीं बनाने वाला है, इसका मतलब क्या, अब लो जो है ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जैसे ही उसने वेज का ये हिस्सा तोड़ दिया, मार्केट सीधा का सीधा आ गया डाउन ट्रेंड में। बेरिश एक्सपांडिंग ट्राइंगल की बात हो रही है, किस टाइप का है सर, ये बेरिश रिवर्सल। समझ पा रहे हो क्या, क्लियर है? रियल चार्ट में सर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। निफ्टी का ये वन डे का चार्ट है, और ये जो चार्ट है ये जब मार्केट कोलैप्स हो गया था मार्च 2020 में, तब का है ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा, ये मार्च का हिस्सा है, मार्च 2020 में जब मार्केट गिरा था, 2020 मार्केट जब मार्च 2020 में गिरा था, ये तब का हिस्सा है। अच्छा तो उसके पहले सर क्या हो गया था, अगर आप देखोगे उसके पहले क्या हो गया था सर, अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था, और मार्केट अप ट्रेंड में था तो सर उसका अगर आप हाई देखोगे तो हाई देखो उसका, लो देखो सर, लो में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, क्लियर है क्या? और जैसे ही मार्केट ने ये उसका ट्रायंगल तोड़ दिया, जैसे ही मार्केट ने उसका ये वेज तोड़ दिया, ये ट्रायंगल तोड़ दिया, किस टाइप का ट्रायंगल है सर, एक्सपांडिंग ट्रायंगल, मतलब कुछ इस तरीके से देखेगा, धीरे धीरे सर ये ट्रायंगल एक्सपांड होगा, यहाँ पे जैसे ही उसने ये तोड़ दिया, अप ट्रेंड का जो है सर सीधा का सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें, डाउन ट्रेंड में। अच्छा और जैसे ही डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, मार्केट पूरा का पूरा जो है वो मार्च 2020 में कोलैप्स हो गया। रिवर्सल की बात चल रही है, रिवर्सल कौन सा रिवर्सल सिरे, बेरिश रिवर्सल। बेरिश रिवर्सल मतलब होता क्या है, पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहा होगा और अप ट्रेंड का अब हो गया कन्वर्ट डाउन ट्रेंड में। समराइज करने के टाइम पे ये सारी चीजें हम देखेंगे, उसके पहले बढ़ते हैं हमारे अगले रिवर्सल पैटर्न पे, लास्ट रिवर्सल पैटर्न है, इसके बाद हम कंटिन्यूशन पैटर्न के पास जाने वाले हैं। बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, बुलिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, अंडरस्टैंड दिस गाइस, एक वेज जो था, एक हमारा वेज जो था वो हमारा इस तरीके से क्लोज होता था। समझ पा रहे हो क्या, देखो ये हो गया हमारा राइजिंग वेज, ऐसा ये हाई जाएगा, बट सर हाई ज्यादा नहीं जा रहा था, क्लियर है क्या? और इस तरीके से हमारा ये जो लो का स्लोप था सर, लो तो बहुत ही सर ऐसा इस तरीके से ऊपर जा रहा था, लो तो सर हमारा देखो फिर से बताता हूं, अंडरस्टैंड दिस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक से पढ़ेंगे हम इसको, देखो अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो,
बट इसको अगर हम पूरा कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे तो शायद कंफ्यूजिंग ना लगे। देखो राइजिंग वेज क्या था, देखो लो वाला जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप था इस तरीके से, हाई वाला जो था वो स्टीप तो नहीं था बट थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर रहा था। अच्छा ये किस टाइप का रिवर्सल पैटर्न था, पहले मार्केट इस तरीके से जा रहा था, अब ये हाई ज्यादा नहीं बना रहा है, हाई ज्यादा नहीं बना रहा है मतलब ये कोलैप्स होगा डाउन ट्रेंड में, समझ पा रहे हो क्या? अच्छा तो सर फॉलिंग विच क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था, और अब की बार अगर आप इसका देखोगे तो लो ज्यादा स्टीप था, लो जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप था इसका, क्लियर है क्या? और जैसे उसने लो ये यहां पे स्टीप था और ये मार्केट कंसोलिडेट हो गया, तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता होता है, क्लियर है क्या? और ये उसका हाई जो है ना सर, हाई ज्यादा स्टीप होता है और लो ज्यादा स्टीप नहीं होता, इसका जो है हाई स्टीप होता है, क्लियर है क्या? इस तरीके से प्राइस आता है, इस तरीके से प्राइस आता है, और अब जो है ये मार्केट सीधा का सीधा यहां पे ऊपर आ जाता है, क्लियर है क्या यहां तक, समझ पा रहे हो? तो सर एक्सपांडिंग ट्रायंगल क्या हो गया, सर वेज मतलब क्या, वेज मतलब क्लोज हो रहा है, तो एक्सपांड मतलब क्या हो रहा है, अब ये एक्सपांड होगा सर इस तरीके से, क्लियर है क्या तक? ओके तो सर बेरिश मतलब क्या होगा, बेरिश मतलब क्या होगा सर, उसका जो है ये हाई जो है वो ज्यादा नहीं बना पाएगा, क्लियर है क्या तक? और जैसे ही उसने ये यहां पे प्राइस आया इस तरीके से कंसोलिडेट किया, मतलब बहुत ज्यादा उसने हाई बना लिया यहां पे और ये बना लिया, लो जो है वो ज्यादा नहीं बना पाया, क्लियर है क्या? और इसी तरीके से यहां पे जो है सर ये हाई ज्यादा नहीं बना पा रहा है, हाई जो है ये ज्यादा नहीं बना पा रहा है, इसके बीच में सर गैप बहुत कम है, और सीधा का सीधा ये मार्केट जो है ये यहां पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपांडिंग ट्राइंगल की बात चल रही है यहां पे, बुलिश एक्सपांडिंग, बुलिश रिवर्सल मतलब पहले ये था बेरिश और अब बन गया रिवर्सल, ये चार्ट में कुछ इस तरीके से लिखेगा, क्लियर है क्या? मार्केट जो है नीचे जरूर आया, मार्केट जो है ये नीचे जरूर आया, ये हमारे ट्रायंगल में फंस तो जरूर गया। अच्छा ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं, ये कौन सा है सर, एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, क्लियर है क्या? और जैसे ही यहां पे आया मार्केट ने ये तोड़ दिया और सीधा का सीधा डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है यहां तक? चलो फिर से समराइज करते हैं, फिर से जो है ये समराइज करते हैं कि आज की तारीख में हम पढ़े क्या है, अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। यस सागर, सर हम इतने पैटर्न्स पढ़ रहे हैं तो मुझे क्यूरियोसिटी है, लाइक हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या कि ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए बाद देखो में यही यही तो बात है, आई टेल यू, मार्केट में हमको चीजें पता होना जरूरी है, चीजों को हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर है, समझ पा रहे हो क्या? देखो हमारे पास टूल्स सारे होने चाहिए, टूल्स हमारे पास सारे होने चाहिए, उसको यूज करना है कि नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे। गाइस अंडरस्टैंड दिस, स्विंग ट्रेडिंग की बात चल रही है, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अलग अलग चीजें हैं, अभी तक देखो सारा चीजों को कनेक्ट करके आप देखो, डाउ थ्योरी से हमने क्या देखा, प्राइस ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड से हमने क्या देखा, प्राइस, प्राइस से हमने क्या देखा, डिमांड और सप्लाई, हमने प्राइस में भी दो चीजें देखी है क्या, बुलिश और बेरिश, इजंट इट, बुलिश और बेरिश, हमने दो तीन ये पैटर्न पढ़े है, इजंट इट? तो जब कैंडल स्टिक, बहुत सारे कैंडल स्टिक मिल जाते हैं तो क्या बनता है, चार्ट बनता है, और जब ये चार्ट भी हमको कुछ तो बताने का ट्राई कर दिया, और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत ही अच्छा, और अगर हम लोग नहीं भी आइडेंटिफाई कर देंगे, अगर हम लोग नहीं भी आइडेंटिफाई करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड तो हम फिर भी कर सकते हैं, ये सिर्फ एक एज देने के लिए है आपको, क्यों क्यों देने, क्या देने के लिए, एज। देखो मार्केट में जो है एज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एज नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इट्स फाइन, एज नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इट्स फाइन, बट अगर एज होगा हमारे पास तो अपने काम में ही आएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी ट्रेड तो हम कर ही सकते हैं,
क्लियर, आइडेंटिफाई, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है शुरुआत में, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस जरूरी है. देखो अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आगे लाइफ में एटलीस्ट पार्ट टाइम ट्रेडर बने, एटलीस्ट. अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर भी बनते हैं तो आपको नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है उसके लिए. और हाँ, नॉलेज के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा. और हाँ, ये जो आपने पूछा कि सर हम ये सारा आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या, नहीं भी अगर आइडेंटिफाई किया तो भी चलेगा, इट्स ओके, बट सीखा ना मेरा काम. क्लियर, अभी तक हम जो पढ़े हैं जस्ट एक उसका आइडिया ले लेंगे हम, ठीक है. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. चार्ट पैटर्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं. दो टाइप के चार्ट पैटर्न है, एक है रिवर्सल पैटर्न, एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न. क्लियर है क्या? कंटिन्यूएशन पैटर्न अभी हम पढ़ेंगे. रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या होता है? सर, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में जाता है. क्लियर? अच्छा सर, रिवर्सल में भी दो होते हैं. अच्छा, ये अगर डाउन ट्रेंड में गया है मतलब सर ये बेरिश रिवर्सल, और अगर सर ये अप ट्रेंड में गया है तो सर ये है बुलिश रिवर्सल. क्लियर है क्या? अच्छा, चार्ट पैटर्न रिवर्सल में हम पांच टाइप पढ़े. पहला कौन सा सर हमारा टाइप था? हेड एंड शोल्डर. अब हेड एंड शोल्डर में भी क्या था? इनवर्स हेड एंड शोल्डर. दूसरा हमारा क्या था सर? डबल टॉप. सर डबल टॉप मतलब, डबल टॉप का और एक क्या था सर? डबल बॉटम. ओके सर, तीसरा हमारा क्या था सर? ट्रिपल टॉप. और सर ट्रिपल टॉप अगर होगा उसके साथ क्या होगा सर? ट्रिपल बॉटम. क्लियर है क्या? सर चौथा हमारा क्या था सर? वेज. कौन सा वाला वेज सर? एक था सर राइजिंग वेज और एक था सर फॉलिंग वेज. क्लियर है क्या? और पांचवा जो हम पढ़े थे वो थे सर ट्रायंगल. अच्छा, कौन सा वाला ट्रायंगल सर? एक था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल और एक था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल. समझ पा रहे हो क्या? डिसेंडिंग ट्रायंगल. क्लियर है क्या? देखो अंडरस्टैंड दिस गाइस, इस बात को बड़े अच्छे से समझना कि ये सब पैटर्न पढ़ना जरूरी है क्या. देखो अगर आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, हमारे आर्सेनल में सारे टूल्स होने चाहिए. सारे टूल्स यूज करना है क्या? जरूरी नहीं. हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा. क्या होगा? ये अप ट्रेंड में होगा, ये उसने नेकलाइन ब्रेक कर दी, ये आएगा डाउन ट्रेंड में. किस तरीके का पैटर्न है ये? बेरिश रिवर्सल पैटर्न. अब अगर कंपैरिजन में पढ़ोगे तो शायद इजी लगेगा आपको. अंडरस्टैंड दिस, ये क्या होता है सर? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. इनवर्स हेड एंड शोल्डर किस तरीके का पैटर्न है सर? बुलिश रिवर्सल पैटर्न. मतलब पहले ये डाउन ट्रेंड में था और अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया. किस तरीके का पैटर्न है सर? बुलिश रिवर्सल. समझ पा रहे हो यहां तक? ओके, तो अगला टाइप का हमारा पैटर्न क्या था सर? डबल टॉप था. डबल टॉप, ये उसने पहले ये अप ट्रेंड में था इस तरीके से, टॉप उसने ये वाला नेकलाइन सर उसने ब्रेक कर दिया, नेकलाइन ब्रेक कर दिया, ये नीचे आ गया. नीचे आ गया तो कौन सा ट्रेंड सर? डाउन ट्रेंड. अप ट्रेंड का हो गया सर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट. तो किस टाइप का पैटर्न है सर? ये बेरिश रिवर्सल, इजंट इट? दूसरे बार में नेकलाइन में अब उसने क्या ब्रेक किया? पहले तो सर वो डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद में उसने दो हमारा बॉटम बनाया. क्लियर है क्या? दो बॉटम बना के वो वापस ऊपर भाग गया. ऊपर जाना तो कौन सा ट्रेंड सर? अप ट्रेंड. मतलब पहले बेरिश था, अब बुलिश बन गया. तो किस टाइप का रिवर्सल है सर? ये तो बुलिश रिवर्सल. क्लियर? उसके बाद में सर हम क्या पढ़े थे? ट्रिपल टॉप. ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से दिखता है, जब उसने नेकलाइन यहां पे ब्रेक कर दिया, पहले सर अप ट्रेंड में था, अब आ गया सर ये डाउन ट्रेंड में. अब डाउन ट्रेंड अगर है तो रिवर्सल है. कौन सा रिवर्सल सर? बेरिश रिवर्सल. ट्रिपल बॉटम की अगर मैं बात करूं, पहले मार्केट था सर अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में मार्केट था सर, यहाँ पे उसने तीन यहाँ पे बॉटम बना लिया, बॉटम बना लिया उसने, तो ये सर ये फिर से ही उधर उसका ये हो गया, रिवर्सल हो गया. पहले ये था सर अप ट्रेंड में, अब आ गया सर ये डाउन ट्रेंड में. इस तरीके से. यस क्वेश्चन. अच्छा, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो विकी जी. इस तरीके से अगर लेट ज्वाइन करोगे तो कैसे चलेगा? क्लियर है यहां पे? ओके सर, चौथा पैटर्न हम कौन सा पढ़े थे सर? वेज का पैटर्न बने थे. अच्छा, इसमें भी कौन सा है सर? एक है हमारा सर राइजिंग वेज और एक है सर हमारा क्या? फॉलिंग वेज. अच्छा सर, राइजिंग वेज में क्या था? पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, पहले जो था
मार्केट जो है, अच्छा कोई बात नहीं विकेट्स ओके। देखो पहले मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में था, समझ पा रहे हो क्या, और अब उसने लेट से ये हाई बना लिया, क्लियर है, ये हाई बना लिया, ये उसने लो बना लिया। अब की बार हाई तो वो बना रहा है, हाई तो बना रहा है बट ज्यादा नहीं बना रहा, हाई तो वो बना रहा है बट ज्यादा नहीं बना रहा। देखो एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक से पढ़ेंगे, टाइम लगा तो भी चलेगा। देखो ये बना लिया उसने हाई, क्लियर है क्या, बट हाई जो है वो ज्यादा नहीं बना लिया, क्लियर। गैप देखो इसका, फिर से ये यहां तक है, क्लियर है। गैप देखो आप किस तरीके से फील हो रहा है, गैप देखो, अंडरस्टैंड दिस गाइस, इस तरीके से ये जो स्लोप है ये ज्यादा नहीं है, ये वाला स्लोप देखो, वेज राइज हो रही है यहां पे, और जैसे ही वो यहां पे आएगा ब्रेक कर देगा ये, और अप ट्रेंड का मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में, क्लियर है। फॉलिंग वेज, वेज क्या है, गिर रही है, मतलब पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा होगा और यहां पे जो स्लोप हमारा लो का था, अब यहां पे जो है स्लोप जो है किसका होने वाला है गाइस, इसका हाई का, क्लियर है, ये वाला इस तरीके से, पहले उसका लो ये था अब ये लो था, अब फिर से उसका हाई देखो और उसका ये देखो लो, तो मतलब इसका क्या वेज जो है सिर्फ फॉल हो रही है इस तरीके से, और जैसे उसने ये ब्रेक कर दिया मार्केट जो है डाउन ट्रेंड का जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अप ट्रेंड में, समझ पा रहे हो। ये तो हो गया सर वेज। अच्छा एक और जो लास्ट बचा है सर वो कौन सा बचा है हमारा, ट्रायंगल। अच्छा सर ट्रायंगल में भी तो हमारे दो हिस्से थे, एक था सर हमारा असेंडिंग ट्रायंगल और सर एक था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके तो सर डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमारा क्या था, मार्केट जो है ये ऐसा ऊपर जा रहा था सीधा सीधा, ठीक है, मार्केट जो है ये ऊपर जा रहा था सीधा सीधा, अब हाई जो है वो तो बहुत ज्यादा बना रहा था ऊपर इस तरीके से, और हाई सर और हाई सर और हाई, क्लियर है क्या, और जैसे उसने ये ब्रेक कर लिया मार्केट आ गया नीचे, अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ओके सर डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ये देखो यहां पे आपका एग्जांपल है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था और अब देखो उसका लो कितना बड़ा लो बना रहा है, कितना लो बड़ा बना रहा है, और यहां पे मार्केट जाके सीधा तोड़ दिया, मार्केट कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में, असेंडिंग ट्रायंगल की बात हो रही है, क्लियर है क्या। और ये किस टाइप का रिवर्सल है सर, बुलिश रिवर्सल। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले पैटर्न की तरफ, अगले चार्ट पैटर्न की तरफ, विच इज कंटिन्यूएशन पैटर्न, विच इज कंटिन्यूएशन पैटर्न, समझ पा रहे हो क्या यहां तक, क्लियर है क्या। दो टाइप के सर चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न हम लोग क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखना है कि सर कैंडलस्टिक तो हम पता कर ही रहे कि सर कहाँ जा रहा है प्राइस, बट बहुत सारे कैंडलस्टिक जब मिल जाती है तब हमको मिलता है एक चार्ट, और ये चार्ट भी हमको कुछ तो कहना चाह रहा है, तो चार्ट हमें क्या कहना चाह रहा है सर, या तो रिवर्सल होगा सर, या तो कंटिन्यू में जाएगा चार्ट, और रिवर्सल भी होगा तो उसके हमने अलग अलग पैटर्न देखे कि अगर इस तरीके का अगर चार्ट पे अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो शायद रिवर्स हो सकता है, क्लियर है क्या। और अब पढ़ते हैं हम हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न, सबसे पहला जो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो है बुलिश रेक्टेंगल। अच्छा तो सर बुलिश रेक्टेंगल का मीनिंग क्या हो गया सर, मार्केट जो है ये तो देखो ये तो सबसे सिंपल है बुलिश रेक्टेंगल, मार्केट जो है सर अप ट्रेंड में था, यहाँ पे प्राइस ने सर इस तरीके से कंसोलिडेट किया और मार्केट सर फिर से यहाँ पे ऊपर भाग गया, क्लियर है क्या। अब इसमें तो रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं, अंडरस्टैंड दिस गाइस, कंटिन्यूएशन की बात चल रही है, रिवर्सल मतलब क्या कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बनने वाला है और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बनने वाला है, तो उसी तरीके से कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है सर, अब जो है अप ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड ही रहेगा, अब जो है डाउन ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात चल रही है, बुलिश रेक्टेंगल की बात चल रही है। सबसे पहला पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल, इसका मतलब क्या है, प्राइस जो है ये अप ट्रेंड में ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया और प्राइस फिर से ऊपर भाग गया, इसी का मतलब हुआ प्राइस ने क्या किया गाइस, कंटिन्यूएशन किया है, प्राइस ने क्या किया है कंटिन्यूएशन किया है। सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पे सर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, अप ट्रेंड में मार्केट है, प्राइस ने यहां पे कंसोलिडेट किया है और प्राइस फिर से ऊपर भाग गया है, यहां पे मतलब उसने
अप ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू किया है, निफ्टी का चार्ट है ये डेली का, समझ पा रहे हो क्या गाइस? अंडरस्टैंड दिस, आप एक चीजों को समझो, जितने भी हम कुछ पढ़ रहे हैं सब रियल से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं ये सब कैंडल अपने हाथों से ड्रॉ कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, नहीं, ये जो भी पैटर्न्स मैं आपको सिखा रहा हूं ये सारे पैटर्न्स चार्ट से ही उठाए मैंने। निफ्टी का ये चार्ट है, बुलिश रेक्टेंगल की बात हो रही है, कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात हो रही है, मतलब अप ट्रेंड, अब वापस अप ट्रेंड ही रहेगा। तो सर एक बात बताओ, जैसे अप ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड रहेगा बुलिश रेक्टेंगल में, तो इसी का रिवर्स भी तो ट्रू है। हाँ ट्रू है ना। बढ़ते हैं हम हमारे अगले चार्ट पैटर्न की तरफ, बेरिश रेक्टेंगल। जिस तरीके से बुलिश रेक्टेंगल में अप ट्रेंड था, उसी तरीके से बेरिश रेक्टेंगल में क्या होगा सर? डाउन ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। क्लियर है यहां तक? मतलब जैसे ही प्राइस यहां से आया डाउन ट्रेंड में, इस रेक्टेंगल के अंदर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और जैसे ही वो ये रेक्टेंगल के बाहर निकला, प्राइस जो है वो फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और रियल चार्ट पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट्स का ये चार्ट है। अगर देखोगे हम तो सर ये क्या डाउन ट्रेंड में है? हाँ है ना। देखो कैसे सर, देखो ये है उसका हाई सर, ये है उसका लो पकड़ लो यहाँ पे सर, ये फिर से उसका हाई है, लोअर है सर, ये उसका फिर से लोअर लो, तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है सर, ये तो हमने यहाँ पे कन्फर्म कर लिया। इसका मतलब क्या है? अब जो है डाउन ट्रेंड जो है ये सर फिर से हमको डाउन ट्रेंड में ही कन्वर्ट होने वाला है। क्लियर है क्या यहां तक? तो जैसे ही मार्केट आया इस बॉक्स में, इसने कंसोलिडेट किया रेक्टेंगल में, इसने कंसोलिडेट किया, इसका नाम है क्या? बेरिश रेक्टेंगल। डाउन ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात चल रही है यहां पे। बढ़ते हैं हम हमारे अगले चार्ट पैटर्न पे। गाइस जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट होता है उसमें रिवर्सल पैटर्न में डबल टॉप और डबल बॉटम ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, उसी तरीके से ये तो हो गया रिवर्सल में का, बट उसी तरीके से अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन अगर पैटर्न चलना है, कंटिन्यूएशन अगर पैटर्न की मैं बात करूं, तो सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस और सबसे फ्रीक्वेंट आने वाला चार्ट और एक मार्केट स्ट्रक्चर में ये वाला पैटर्न होगा। या तो आप उसको फ्लैग पैटर्न बोल दो, या तो आपको बुलिश फ्लैग बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है क्या? कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात चल रही है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या होगा सर? बुलिश अब बनेगा बुलिश, बेरिश अब रहेगा बेरिश। क्लियर है क्या? ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, बुलिश फ्लैग की बात हो रही है। इसका मतलब क्या? बुलिश तो बुलिश ही रहेगा। कैसे दिखेगा सर? मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में जाएगा इस तरीके से, और प्राइस जो है एक ऐसे रेक्टेंगल में सर इस तरीके से कंसोलिडेट होगा, और फिर से जैसे ही प्राइस ने ये रेक्टेंगल सर हमको ब्रेक कर दिया इस तरीके से, ये बन गया उसका पोल। अगर आप देखोगे सर, ये बन गया उसका पोल सर, ये बन गया उसका फ्लैग, और इसी के लिए इसको आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोलते हो सर, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, या तो इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हो सर। और सर ऐसा वैसा फ्लैग नहीं, किस टाइप का फ्लैग सर? बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग का मतलब क्या है सर? किस टाइप का पैटर्न है सर? ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या है सर? बुलिश अब फिर से रहेगा बुलिश। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, ये बॉक्स के अंदर, ये फ्लैग के अंदर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और फिर से जो है प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। चार्ट पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है क्या यहां तक? समझ पा रहे हो क्या? ये बन गया उसका पोल, और ये जो बॉक्स है ये बन गया उसका फ्लैग। कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात हो रही है। सबसे पहला उसमें जो हमने किया था रेक्टेंगल, और अब हम दूसरा कर रहे हैं फ्लैग। रेक्टेंगल में भी हम दो चीजें सीखे थे, सबसे इजी था ये तो, मतलब ऐसा आया बॉक्स में कंसोलिडेट हो गया, ऊपर भाग गया, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आया, बॉक्स में कंसोलिडेट हो गया, नीचे भाग गया। तो उसी तरीके से ये क्या हो गया सर? बुलिश रेक्टेंगल। उसी तरीके से ये क्या हो गया सर? बेरिश रेक्टेंगल।
और अगर ये बुलिश और बेरिश रेक्टेंगल है तो फ्लैग में भी तो सर दो टाइप के फ्लैग होना चाहिए। हाँ है ना, एक जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं सर, ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग का मतलब क्या है सर, ये पहले बुलिश था, एक सर यहाँ पे उसने ये पोल और ये इस तरीके के सर एक फ्लैग बनाया, और जब ये प्राइस कंसोलिडेट हो गया ये उसने तोड़ के ऊपर भाग गया, अब ये है फिर से अप ट्रेंड में। क्यों? ये तो सर पहले भी अप ट्रेंड में था। अच्छा कौन सा पैटर्न है सर, ये फ्लैग पैटर्न, और ऐसा वैसा पैटर्न नहीं, कैसा है ये सर, बुलिश फ्लैग पैटर्न। और किस टाइप का पैटर्न है सर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्लियर है क्या यहां तक, समझ पा रहे हो? ओके, तो सर जिस तरीके से बुलिश रेक्टेंगल में बेरिश रेक्टेंगल था, तो उसी तरीके से सर ये बुलिश फ्लैग में सर बेरिश फ्लैग भी तो होना चाहिए। हाँ है ना, ये देखो क्लियर है क्या यहां तक, समझ पा रहे हो क्या? एक बेरिश फ्लैग क्या होता है, मार्केट सर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चलता है और ये बन गया सर उसका पोल, और इस तरीके से मार्केट जो है एक बॉक्स में एक फ्लैग के इसमें प्राइस कंसोलिडेट करता है और फिर से सर ये नीचे भागता है इस तरीके से। क्लियर है क्या, बेरिश फ्लैग की बात हो रही है। ये बन गया सर उसका पोल, ये बन गया सर उसका फ्लैग, और यहां पे वो ब्रेकआउट देगा तो फिर से नीचे ही आएगा। इस केस में ये बन गया उसका पोल, ये बन गया उसका फ्लैग। अच्छा तो सर ये रियल लाइफ में कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से। मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, ये बन गया उसका पोल, और इस फ्लैग के अंदर प्राइस ने कंसोलिडेट किया और ये फिर से नीचे भाग गया। अंडरस्टैंड दिस गाइस, दो टाइप के पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ा था हमने रेक्टेंगल, दूसरा पढ़ा था हमने फ्लैग। अच्छा रेक्टेंगल में क्या होता है, बॉक्स में होता है, अप ट्रेंड बन जाएगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड बन जाएगा डाउन ट्रेंड। उसके बाद में हम देख रहे थे फ्लैग। अच्छा तो सर फ्लैग में भी तो दो टाइप होते हैं, कौन से दो टाइप यार, एक होता है हमारा बुलिश फ्लैग और एक होता है सर बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग क्या होगा सर, इस तरीके से पहले प्राइस जाएगा, इस तरीके से सर प्राइस कंसोलिडेट हो गया, सर ये बन गया उसका पोल, सर ये बन गया उसका फ्लैग, और जैसे उसने ये तोड़ दिया यहां से इस तरीके से, ये बन गया सीधा ऊपर, समझ पा रहे हो? तो उसी तरीके से सर ये तो कौन सा फ्लैग था सर, हमारा बुलिश फ्लैग था, मतलब अप ट्रेंड बनेगा अप ट्रेंड। तो सर बेरिश फ्लैग क्या होगा, ये बन गया सर उसका पोल, प्राइस ने इस तरीके से यहां पे कंसोलिडेट किया, और जैसे ही प्राइस ने ये ब्रेक किया, प्राइस फिर से आ गया हमारा क्या, डाउन ट्रेंड में। क्लियर है क्या, यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन गया, डाउन ट्रेंड। कंटिन्यूएशन पैटर्न की यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे फ्लैग की बात चल रही है, कौन सा वाला फ्लैग सर, ऐसा वैसा फ्लैग नहीं, बेरिश फ्लैग। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पैटर्न की तरफ, पेनंट। कौन सा टाइप, कौन सा पैटर्न है, पेनंट। ओके तो सर ये पेनंट में और वेज में क्या फर्क है सर? सर वेज में भी तो, वेज में जो सर आप बोलते थे, तो सर इस तरीके से ये प्राइस आ गया और तभी भी तो सर ऐसा ही कुछ तो था। हाँ था ना, मैं क्या मना कर रहा हूं, बट गाइस एक बात समझो, बहुत ही माइन्यूट फर्क है। पेनंट में क्या होता है, पेनंट में क्या होता है कि ये दोनों यहां पे इस तरीके से मूवमेंट देता है। वेज में क्या था, जब ये राइजिंग, ये राइजिंग वेज की बात आ गई, तो राइजिंग वेज में क्या था, उसका जो हाई था और लो था, उसका जो स्लोप में फर्क था। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे इस स्लोप में क्या है सर, लो भी उसका ऐसी बनेगा जो स्पीड से जाएगा ऊपर, हाई भी उसका वही स्पीड से नीचे आएगा इस तरीके से। वेज में क्या था सर, हाई तो हमारा ऐसा ऊपर जा रहा था, बस उसका स्पीड बहुत कम था। अच्छा सर लो का तो स्पीड सर बहुत ही ज्यादा था, ये ऐसा जा रहा था सर हमारा लो, और हाई जो है हमारा ऐसे जा रहा था सर, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। बट वेज में सर ऐसा नहीं होता, वेज में सर हाई भी उतना स्पीड से नीचे आता है, पेनंट में हाई भी उतना स्पीड से नीचे आता है और लो भी सर उतना ही स्पीड से ऊपर जाता है। इस तरीके से बनता है हमारा पेनंट। बुलिश पेनंट की बात चल रही है यहां पे, कंटिन्यूएशन पैटर्न की यहां पे बात चल रही है। ये बन गया सर हमारा पोल और ये बन गया सर हमारा पेनंट, पेनंट बोलते हैं इसको। क्लियर है क्या? देखो नाम आपने याद में नहीं रखा तो भी चलेगा, बस आप प्राइस के अगर स्ट्रक्चर को भी अगर आप समझ गए तो भी बहुत बड़ी बात हो है हमारे लिए। मैं तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप ये सारे जो पैटर्न्स है ये आप
बाय हार्ट आपको होना चाहिए, बट अगर आपको ये बाय हार्ट है तो एडवांटेज ही मिलेगा मार्केट में, डिसएडवांटेज तो होगा ही। क्लियर है क्या? पैटर्न की बात चल रही है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में पैटर्न की बात चल रही है। किस टाइप का पैटर्न, किस टाइप का ये पैटर्न है? बुलिश पैटर्न। इसका मतलब क्या? अप ट्रेंड जो है ये अब सीधा जाएगा वापस अप ट्रेंड में। ओके सर, रियल लाइफ में कैसा दिखता है सर? कुछ इस तरीके से। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? तो सर एक वेज और एक इसमें सर क्या फर्क है? वेज और पेनेंट में क्या फर्क है सर? देखो, वेज में स्लोप में फर्क होता है इस तरीके से। ये उसका हाई था, बट अब ये ज्यादा हाई नहीं जा रहा है, बट लो तो सर बहुत ऊपर जा रहा है। बट वेज में ये पेनेंट में क्या होता है सर? पेनेंट में हाई भी उतना नीचे आता है और लो भी उतना ही ऊपर जाता है इस तरीके से। समझ पा रहे हो क्या? ये हो गया, तो ये हो गया सर उसका पोल, और ये हो गया सर उसका क्या पैटर्न। किस टाइप का पैटर्न है सर? कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न में? सर अप ट्रेंड जो है ये वापस अप ट्रेंड में ही रहेगा। क्लियर है क्या? किस टाइप का पैटर्न सर? ये है हमारा बुलिश पैटर्न। ओके, तो सर अगर बुलिश पैटर्न होगा तो बेरिश पैटर्न में भी तो होगा। हाँ होगा ना, ये देखो। ओके तो सर बेरिश पैटर्न क्या होगा? देखो इस तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंड में आएगा, और डाउन ट्रेंड में आएगा तो उसका ये जो हाई है सर ये भी उतना ही कन्वर्ज होगा, और सर लो भी ये उतना ही कन्वर्ज होगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो प्राइस है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है गाइस, अंडरस्टैंड दिस। प्राइस कंसोलिडेट होगा और फिर से ये पैनेट तोड़ेगा। इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड जो है ये फिर से सर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। किस पैटर्न की बात हो रही है सर? बेरिश पैनेट की बात हो रही है। क्लियर है क्या? अच्छा तो सर ये रियल लाइफ में कैसे दिखेगा सर? रियल लाइफ में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अंडरस्टैंड दिस गाइस, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में है, प्राइस अब कंसोलिडेट हो रहा है एक पेनेंट में। अच्छा ये पेनेंट क्या है सर? पेनेंट मतलब क्या? इसका हाई और लो दोनों इक्वल इससे अभी कंसोलिडेट हो रहे। क्लियर है क्या? और मार्केट फिर से नीचे हो गया। बेरिश पेनेंट की बात चल रही है यहां पे, कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात चल रही है यहां पे। क्लियर है क्या यहां तक? समझ पा रहे हो क्या यहां तक? ओके तो सर अभी तक हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न में तीन चीजें पढ़े सर। कौन सी सर? एक तो हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है क्या सर? एक तो हमारा फ्लैग हो गया। क्लियर है क्या? और सर एक तो हमारा पेनेंट हो गया। कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात चल रही है, रेक्टेंगल में भी दो टाइप, कौन से सर? बुलिश और बेरिश। फ्लैग में भी दो टाइप, फ्लैग किस तरीके से दिखेगा सर हमको? कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बन गया हमारा फ्लैग, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट होगा। ये हो गया सर पोल, सर ये हो गया उसका फ्लैग, ये हो गया कौन सा? ये हो गया बुलिश। कौन सा फ्लैग? बुलिश फ्लैग, मतलब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर से ऊपर भागेगा इस तरीके से। अच्छा तो सर बेरिश फ्लैग क्या होगा? मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा जरूर, बट इस तरीके से ये यहाँ पे फ्लैग बनाएगा, प्राइस जो है कंसोलिडेट करेगा और प्राइस सर फिर से यहाँ पे नीचे बनेगा। सर ये आ गया उसका पोल, सर ये आ गया उसका फ्लैग, इजंट इट? किस टाइप का पैटर्न है सर? कंटिन्यूएशन पैटर्न। और कौन सा? ऐसा वैसा नहीं, ये तो बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। समझ पा रहे हो क्या? ओके सर, उसके बाद में हम क्या सीखे सर? पेनेंट सीखे। पेनेंट मतलब क्या होता है सर? अगेन ये इस तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा, प्राइस जो है ये कंसोलिडेट होगा। अच्छा तो सर कंसोलिडेट ये किस तरीके से होने वाला है सर? कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट होगा ये। समझ पा रहे हो क्या यहां तक? अप ट्रेंड में मार्केट है सर, इसका लो भी उतना ही ऊपर जाएगा, हाई भी उतना ही नीचे आएगा, फिर से लो ऊपर गया इतना ही, हाई भी सर ऊपर जाएगा, लो भी ऊपर गया, हाई भी सब नीचे आ गया, प्राइस को कर दिया ब्रेक। ये बन गया हमारा क्या? फिर से एक अप ट्रेंड। किस तरीके की बात हो रही है सर? पेनेंट की बात हो रही है, और ऐसा वैसा पेनेंट नहीं सर, बुलिश पेनेंट की बात हो रही है। ओके तो सर बेरिश पेनेंट क्या होगा सर? इस तरीके से प्राइस नीचे आएगा और इसका सर हाई भी उतना ही नीचे जाएगा, लो भी सर उतना ही ऊपर जाएगा, हाई भी उतना ही नीचे आएगा, लो भी उतना ही ऊपर जाएगा, प्राइस ने कंसोलिडेट कर दिया,
प्राइस फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया और हमारा डाउन ट्रेंड जो है ये फिर से हमारा सर क्या बन गया, डाउन ट्रेंड बन गया। और किस टाइप का पैटर्न है सर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, समझे क्या? बढ़ते हैं हम हमारे आज के, बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न तक जो कि है ट्रेंड। बहुत ही माइन्यूट फर्क है वेज में और उसके बाद में पेनेंट में और उसके बाद में ट्रायंगल में, बताता हूं आपको, टेंशन मत लो, इट्स ओके। वेज में क्या होता है, राइजिंग वेज क्या होगा सर, राइजिंग वेज क्या होगा, उसका लो है उसका तो स्लोप ज्यादा होगा बट अप वाला जो है वो हाई तो जाएगा बट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरीके से फॉलिंग वेज क्या होता है सर, उसका जो हाई है वो तो सर बहुत तेजी से नीचे आएगा बट लो जो है वो उतना तेजी से नीचे नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो सर पेनेंट मतलब क्या होता है, पेनेंट मतलब क्या सर, हाई भी उतना ही तेजी से नीचे आया सर, लो भी उतना ही तेजी से ऊपर गया। क्लियर है क्या? तो अगर ये बुलिश पेनेंट रहा तो ये अप ट्रेंड होगा और अगर यही अगर बेरिश पेनेंट होगा तो ये ऐसे होगा। क्लियर है क्या? तो सर ट्राइंगल मतलब क्या होता है, मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में चलेगा जरूर बट एक हाई जो है इसका एक सेम लेवल पे होगा। क्लियर है क्या? हाई जो है इसका एक सेम लेवल पे होगा और लो जो है इसका ऊपर जाता रहेगा, हाई जो है इसका सेम लेवल पे रहेगा और लो जो है वो ऊपर जाता रहेगा। हिंदी में लिख दिया मैंने, क्लियर है यहां तक? ये है मार्केट अप ट्रेंड में, हाई उसका एक ही जगह पे है, लो उसका ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है और फाइनली मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक कर दिया और फिर से चालू हुआ हमारा क्या, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड कंसोलिडेशन फिर से अप ट्रेंड किस टाइप का पैटर्न है गाइज, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात चल रही है। अच्छा, ऐसा वैसा कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं, बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल की बात चल रही है। बुलिश ट्रायंगल मतलब क्या, अब बुलिश ही रहेगा, असेंडिंग मतलब क्या उसका हाई जो है सर, उसका हाई जो है ये फिक्स रहेगा। क्लियर है क्या तक? और बढ़ते हैं हम आज हमारे लास्ट के, अच्छा लास्ट के पहले इसका ये रियल लाइफ में एग्जांपल देख लेते हैं। रियल लाइफ में सर ये इस तरीके से दिखेगा, टीसीएस का ये चार्ट है सर वनडे का, मार्केट तो सर अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था तो सर आप देखो इसका ये जो है सर, ये जो है तो दिस इज आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, इजंट इट? और ये अगर सेम लेवल पे है, लो तो सर इसका ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है और फाइनली ये जो उन्होंने एक हाई बनाया था इसको यहां पे ब्रेक कर दिया और मार्केट सर कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड का, फिर से अप ट्रेंड में और बोल दिया सर हमने ये क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न। अच्छा, ऐसा वैसा कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, ये किस टाइप का ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये सर बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। क्लियर है क्या? और इसी के साथ आज के हमारे लास्ट के पैटर्न के तरफ बढ़ते हैं हम, बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल। गाइस अंडरस्टैंड दिस, एक बात बताओ कि अगर बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल में अगर उसका हाई अगर सेम था तो बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल में उसका लो सेम होना चाहिए, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात होगी, इजंट इट? तो मार्केट जो है पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लो बना लिया उसने एक ही लेवल पे, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया और फिर से जो है मार्केट जो है नीचे के तरफ आया, फिर से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया और बन गया हमारा क्या, बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल। समझ पा रहे हो क्या? डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन फिर से डाउन ट्रेंड, तो किस टाइप का पैटर्न है सर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होने वाला है। और सर ऐसा वैसा कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं, किस तरीके का पैटर्न है सर, ये बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल, डाउन ट्रेंड अब है डाउन ट्रेंड में। समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट अभी तक? अंडरस्टैंड दिस गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पे चार्ट पैटर्न जो है ये आपके सामने खोल के रख रहे हैं। अच्छा,
इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो इस सब का हम यूज कहां पे करने वाले हैं समझो जरा। देखो मार्केट अपट्रेंड में हमने डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में पढ़ा है। ये एक तो डिमांड जोन है मान लो, या तो सप्लाई जोन है, ये कुछ तक जोन है। और जब ये वाले स्ट्रक्चर में कुछ तो ऐसा बना, कुछ तो यहां पे मान लो कि उसने यहां पे एक टेनेंट बना दिया इस तरीके से सप्लाई जोन में। और जब हमको पता है कि सर ये अप ट्रेंड है और ये उसने यहाँ पे पेनेंट बना दिया, और सर पेनेंट बना दिया ये सर अब क्या करेगा? पेनेंट हमको पता है क्या है सर, ये तो कंटिन्यूशन पैटर्न है। अच्छा कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब ये बन गया सर हमारा क्या, डिमांड जोन। अच्छा डिमांड जोन है सर, पेनेंट भी बना दिया। अब उसने गलती से भी अगर यहाँ पे एक हमारा एक अगर उसने यहाँ पे एक हमारा बुलिश एनगल्फिंग बना दिया, या तो सर एक बुलिश एक कोई भी हमारा बुलिश पैटर्न जितना भी हम कल सीखे वो एक बना दिया सर, क्यों ना हम यहाँ पे एंट्री ले, यहाँ पे एंट्री लेंगे सर, ये हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:3 का हम टारगेट रख देंगे। समझ पा रहे हो क्या गाइस? ये सारी चीजें जो है ये हम कंबाइन करके हमारे ट्रेडिंग में यूज करने वाले हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि जब हम डिमांड और सप्लाई बेसिस पे जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो वो डिमांड और सप्लाई जोन में किस तरीके का चार्ट वहां पे पैटर्न बना रहा है, जब अगर हम वो हमको समझ गया कि यार ये पैनेट बना रहा है तो हम उसको उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। क्लियर है क्या यहां तक? सर यहां पे वेज बना रहा है सप्लाई जोन पे, तो सर हम उसको वेज के तरह ट्रेड करेंगे। क्लियर है क्या? एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस में आप पे ले लो। देखो चार्ट पैटर्न, दो टाइप के चार्ट पैटर्न पड़े, एक है रिवर्सल और एक है कंटिन्यूशन। रिवर्सल में पांच टाइप के पैटर्न बने। सबसे पहला क्या? हेड एंड शोल्डर और उसी का काउंटर पार्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था गाइस? हेड एंड शोल्डर के बाद में डबल टॉप। और जैसे हमने डबल टॉप पढ़ा हमने उसका काउंटर पार्ट क्या पढ़ा? डबल बॉटम। तीसरा हमने क्या पढ़ा था सर? ट्रिपल टॉप। और ट्रिपल टॉप पढ़ा था तो हमने और भी उसका काउंटर क्या पढ़ा था? ट्रिपल बॉटम। चौथा सर हमने क्या पढ़ा था? वेज। ऐसी वैसी वेज नहीं, राइजिंग वेज। ओके, और जैसी राइजिंग वेज पढ़ी हमने और भी क्या पढ़ा? हमने फॉलिंग वेज। और पांचवा हमने क्या पढ़ा था गाइस? पांचवा 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 वेट वेट वेट, वेट। पांचवा हमने पढ़ा था क्या? ट्रायंगल। यस ट्रायंगल पढ़ा था। अच्छा एक था हमने क्या पढ़ा था? असेंडिंग ट्रायंगल। और एक हमने क्या पढ़ा था? डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके कंटिन्यूशन में भी हम चार पढ़े। एक क्या पढ़ा था? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल कौन सा? बुलिश रेक्टेंगल। उसी का काउंटर पार्ट क्या था सर? बेरिश रेक्टेंगल। ओके दूसरा हमने क्या पढ़ा था सर रेक्टेंगल के बाद में? रेक्टेंगल के बाद में मैं भी बोल रहा हूं अभी तो। ओके रेक्टेंगल के बाद में हमने पढ़ा था सर क्या? एक ही सेकंड बस। रेक्टेंगल के बाद में फ्लैग पढ़ा था सर हमने, फ्लैग। अच्छा किस टाइप का फ्लैग पढ़ा था सर हमने? फ्लैग। एक था हमारा सर बुलिश फ्लैग, एक क्या था सर हमारा? बेरिश फ्लैग। ओके उसके बाद सब हम क्या पढ़े थे? पेनेट। क्या पढ़े थे सर हम? पेनेट। कौन सा सर पैटर्न? बुलिश पेनेट। उसके बाद में क्या पढ़े थे सर हम? बेरिश पेनेट। क्लियर है क्या? और उसके बाद में हम पढ़े थे क्या? ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग। समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है क्या यहां तक? एनी क्वेश्चंस गाइस? इसका नोट्स मिलेगा आपको, डोंट वरी नोट्स हम दे देंगे इसका, नॉट टू वरी। एनी क्वेश्चंस गाइस? इट्स ऑलरेडी 6:20, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। समझे क्या? क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चन? एजाज, अजय, अमर, भावना, दिगंबर, दिनेश, वानखेड़े सर, प्रकाश सर, प्रिया, राहुल, रोहित, साइली, श्याम, स्वप्निल, विकी,
एनी क्वेश्चंस? Any questions, you can put it in the chat box or you can ask me directly. Okay. तो आई होप आपको ये ओवरलोड नहीं हुआ होगा. बहुत ही जल्दी इन सारे लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और उसके बाद में हम इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी. मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में कल. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.